ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू विनर द वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है हम ये वाली वीडियो एडिट करने वाले हैं जो कि अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और गाइस, आप सभी ने विराट कोहली वाली वीडियो भी देखी होगी, वो मैं अभी यहाँ पे मैंशन नहीं कर पाया हूँ गाइस किसी रीज़न की वजह से। तो गाइस, आप लोगों को मैं आज इसी टाइप की वीडियो रील एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो कंप्लीट देखना। बाकी आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, एंड अगर आप लोग ये वाली वीडियो एडिट करते हो तो मुझे टैग करना, मैं आप लोगों को जो है फ्री स्टोरी प्रमोशन दूंगा। बस आप लोग को एक वीडियो में जो है कोड मिलेगा, बस आपको उसको मेरे को डीएम करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले गाइस, आप लोग अपनी कोई भी एक फ़ोटो को ले लेना है, एंड यहाँ पे गाइस उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस, यहाँ पे गाइस जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा सब आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग को सिंपली ये ले लेना है, ठीक है। ये वाला स्टिकर, ये अभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसको लगा के एंड आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। फिर यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे जो है मतलब आपको कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे गाइस सबसे पहले आप लोगों को एक बैकग्राउंड को ऐड करना है जो कि आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, मतलब यानी कि टेलीग्राम पे। तो आप लोग इसको ऐड करना है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे इसको पहले तो सबसे पूरा लंबा कर लेना है ताकि म्यूज़िक आ जाए इसमें। तो पहले हम म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप म्यूज़िक ऐड करता हूँ, एंड म्यूज़िक वगैरह सब कुछ आपको मेरे वहीं मिलेगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमने से कर लिया, म्यूज़िक सुनेंगे हम, एंड यहाँ पे जहाँ पे म्यूज़िक ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, अब देखिए गाइस, यहाँ पे ऐड वीडियो में जाके आप लोगों को सिंपली ये वाला जो है ये आपको लेना है, ठीक है, ये वाला PNG। एंड इसको गाइस यहाँ पे आपको जो है की फ्रेम ये ऐड करना है, ठीक है। की फ्रेम आपको कुछ स्टेप से ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे जो है इसको ऊपर की तरफ कर देना है, देन आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। ब्लेंडिंग मोड आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आपको यहाँ पे लाइटन रखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है, ठीक है, ताकि जो लगे कि मतलब हाँ कुछ बड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे, एंड इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब गाइस देखिए, इसके बाद आपको देखिए गाइस आपको करना है यहाँ पे, अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पे बैक चलना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जाना है वीडियो इफेक्ट में, एंड यहाँ पे गाइस आप लोगों को चले जाना है ये वाले उसमें, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे ये वाला इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे, तो आप लोगों को सिंपली ये वाला रखना है, ठीक है, ये वाला इफेक्ट। एंड उसके बाद इसका स्पार्कल थोड़ा कम कर देना है, ब्लर कम कर देना है, साइज़ कम कर देना है, एंड थोड़ा सा इंटेंसिटी भी कम कर देना है गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे जो है इसको अगर आप ज़्यादा कम करोगे तो कम मूव होगा ये, ठीक है। तो हम इतना रख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको अपने जो मतलब हमारे वीडियो की लेंथ उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को करना है क्या यहाँ पे, अब चलिए गाइस आपको बताता हूँ मैं आगे का प्रोसेस। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम ऐड वीडियो में जाएंगे, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे ये वाला PNG जो हमने बनाया था इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे सिंपली, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसमें भी आपको की फ्रेम यूज़ करना है, जैसे कि मैंने इसको जूम आउट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको छोटा कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। की फ्रेम ऐड करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका एक कटआउट बना लेंगे। एंड कटआउट बनाने के बाद आपको करना है क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसा होगा ये कुछ इस टाइप से, फिर यहाँ पे कटआउट बनाएंगे एंड इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, अब आप सभी को यहाँ पे 3-4 कट्स लगाने हैं इसी वाली लेंथ में, ठीक है। एंड गाइस कट्स लगाने के बाद आप लोगों को करना है गाइस, इनको रोटेट कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस आपकी वीडियो जो है कुछ इस टाइप से दिखेगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे करना है कि आप लोग को यहाँ पे कुछ वीडियोज़ को ऐड करना है आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 2 वीडियोज़ मैंने ऐड करी हैं, इन्हीं का मैं जो है कुछ मतलब पार्ट्स में रखूँगा इसमें। तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे, पहले तो मैं इनमें कट्स लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कट्स हम कैसे लगाएंगे वो मैं बता देता हूँ। तो पहले देखिए गाइस, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा आगे का पार्ट रखूँगा, फिर इस पर कट लगाऊँगा, फिर इसको मैं ड्रैग करके पीछे ले जाऊँगा, फिर जो दूसरी वाली वीडियो है इसमें से ही एक कट ले लूँगा मैं यहाँ पे, एंड इसको मैं यहाँ पे जो बाकी का पार्ट है उसको आगे ले जाऊँगा। फिर सेम ऐसे ही करना है मेरे को सभी में, ठीक है। तो आप लोग को समझ गए होंगे, मतलब मेरे पास इतनी एक्स्ट्रा वीडियोज़ नहीं है, तो अभी मैंने एग्जांपल के लिए वीडियोज़ लिए हैं तो मैं इन्हीं का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेना, अगर आपके पास ज़्यादा वीडियोज़ हो तो आप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं फटाफट, एंड देन बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। सो गाइस, यहाँ तक हमने कर लिया है, अब देखिए गाइस आपको करना क्या है, अब आगे के प्रोसेस में आपको करना क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले तो आप लोगों को जो है इसमें ये जो माइनस वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करके एंड यहाँ से जो है कुछ ये इफेक्ट ऐड कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली, आप ऐड कर सकते हो जो आपको इसमें ठीक लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, एंड इतना कर देने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है यहाँ पे, जैसे मतलब अभी अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो आप ये भी कर सकते हो, अदरवाइज़ जो है मतलब यहाँ पे मतलब मेरा जो है ये कैपकट क्रैश हो गया था, तो बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक एक करके ऐड करना, मैंने अप्लाई टू ऑल कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्रैश हो जा रहा है, ये पता नहीं क्यों, बाकी मैं इसमें बाद में देखूँगा इसको, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं, और यहाँ पे कर देने के बाद आप लोग को जो अपने हिसाब से यहाँ पे
जो जो मतलब मैं यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ वो कर देना है, ठीक है। एंड आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं ऐड कर रहा हूँ वही ऐड करो आप भी। तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गए चल जाना वीडियो इफेक्ट ऐड वीडियो में। एंड उसके बाद गए आप लोग को सिंपली किटी वाला जो मतलब पीएनजी दिया था मैंने आप सभी को, इसको आपको ऐड कर लेना है दोबारा से एंड यहाँ पे ऐड कर लेना है। आप चाहो तो गाइस इनको जो है कट कर करके भी एक एक करके भी लगा सकते हो, पर मैं इसको यहाँ पे पूरा एक बार में लगाऊंगा ताकि मतलब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे की फ्रेम का यूज़ करूँगा, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएगा उस तरीके से मैं इसको यहाँ पे की फ्रेम में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। मतलब मैं की फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो ये तरीका भी अपना सकते हो। तो अगर आपको मतलब मैन्युअली करना है, मतलब कट लगा लगा करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ ताकि एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ फिर बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस, और बाकी जो भी प्रोसेस है मतलब कि जो भी मतलब स्टॉक्स वगैरह हैं टेलीग्राम पर मैंने डाल दिए हैं। एंड अगर अभी तक आपको कोड नहीं मिला है तो आगे मिल जाएगा, या फिर आपको स्टार्टिंग में ही मिल चुका होगा, बाकी वो आप देख लेना अपने हिसाब से। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर कर देना गाइस, अगर आप चाहते हो फ्री प्रमोशन, अगर आप चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपकी इस रील को फ्री प्रमोशन करूँगा वहाँ पे, ठीक है। बस आपको मेरे को कोड डीएम करना है। एंड यहाँ पे जो है मतलब मैंने ये चीज़ आप लोग के लिए इसलिए रखी क्योंकि मैं आप लोग को एडिटिंग वगैरह सिखाता हूँ, एंड मैं ही आप लोगों को मतलब प्रमोट नहीं करूँगा तो गाइस क्या ही फ़ायदा है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अब यहाँ पे वीडियो इफेक्ट लगाते हैं पहले एक, ठीक है, क्योंकि सभी में हमें ये इफेक्ट लगाना है। तो ये वाला इफेक्ट लगाना है जूमिंग जूम आउट वाला, ठीक है, कुछ इस टाइप से जो कि ये होगा। एंड उसके बाद आपको पहले तो इसमें सेटिंग्स वगैरह तो कुछ इस टाइप से करना है, स्पीड कम कर देना है, रेंज वगैरह इतना कर देना है। एंड यहाँ पे तो मैं ब्लर भी कम कर देता हूँ, ठीक है। ग्लो ज़्यादा कम नहीं करेंगे मैं यार, क्योंकि ग्लो का इशारा खेले, तो ग्लो मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इंटेंसिटी थोड़ा कम। एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेगी हमारी वीडियो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको डुप्लीकेट कर करके आगे की तरफ ड्रैग कर करके लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इतना कर दिया है, अब गाइस देखिए यहाँ पे प्ले करते हैं एक बारी, और हमारी वीडियो गाइस कुछ इस टाइप से बनी है, ठीक है। तो बाकी आप लोग मैन्युअली एडिट करोगे तो भी मतलब काफ़ी हो जाएगा मतलब वहाँ तक,